आप गुफ्तगू के लिए गुजारिश करूंगा। पैकरे इखलास मोहब्बत अलामा सैयद मोहम्मद हसनैन काजमी सरपरस्त शिया उलमा काउंसिल तहसील खालिया से कि आप तशरीफ लाएं और खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। जनाब सैयद मोहम्मद हसनैन काजमी साहब। बयान ही करता रहूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो वक्त दिया है उससे भी हम लूँ। चूंकि मैं दादे तहसीन पेश करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को, मैं इनकी कुछ कुतब का मुताला रखता हूँ, सारी तो नहीं, कुछ किताबें पढ़ता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया है इन्होंने और कर रहे हैं। आज चूंकि मौलाए मुत्तकियान अमीर मोमिनान सरकार अली पाक फरमाते हैं, मेरा जब दिल करता है मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब मेरा दिल करता है अल्लाह मुझसे बातें करे मैं कुरान पढ़ता हूं। तो ये आज इस मादी दौर में जब लोग अफरा तफरी का शिकार बन चुके हैं, उसका एक ही हल है जिसको कुरान पाक कहते हैं। हम कुरान पाक या पढ़ते नहीं, या पढ़ते हैं तो बतौर तबर्रुकन तिलावत फरमाते हैं, ना कि समझते हैं। कुरान समझने से आता है, वगरना सिर्फ तिलावत का सवाब जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको समझना है। तो डॉक्टर साहब ने इस पे वर्क किया, हम उसको उनको दादे तहसीन पेश करना चाहते हैं और हमें चाहिए कि हम कुरान की तरफ मुतवज्जे हों। हमारी तमाम मुश्किलात का हल कुरान पाक में मौजूद है, हमारे तमाम इख्तलाफात का हल कुरान पाक में मौजूद है। क्योंकि अगर आप, हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी आईन के खिलाफ मोटरवे किसी रोड पे जा रहे हो तो मैंने कितनी दफा देखा कि हेलमेट लटकाया हुआ है, लेकिन जब ही मोटरसाइकिल को देखा तो वो 100 रुपए पहन लिया। क्यों? वो कहते हैं जी जुर्माना हो जाता है। क्यों? पाकिस्तान का आईन है, दस्तूर है, उसके खिलाफ अगर करेंगे तो जुर्माना होगा। अच्छा, पाकिस्तान का आईन जो है 73 का है, जो भी है, उसकी खिलाफ वर्जी करने से आपको जुर्माने का खौफ है, लेकिन जो आईन इलाही है उसके खिलाफ वर्जी करने से आपको खौफ नहीं होना चाहिए। आईन इलाही जो है, दस्तूर इलाही जो है, वो किसी बंदे का बनाया हुआ नहीं। जिसके बारे में खालिक कहते हैं वमा यंतिकुन हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, मतलब कि ये अपनी मर्जी से नुक्त नहीं फरमाते, जब ही बोलते हैं उस
इलाही की मर्जी अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं तो फिर शक की तो गुंजाइश न रह गई। कुरान ने भी कह दिया कि ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। जब शक की गुंजाइश नहीं तो फिर इसकी तिलावत करें, फिर इसको हम समझने की कोशिश करें। जब इसको समझ जाएंगे मेरा ख्याल है कि मुआशरा अच्छे रास्ते की तरफ रमजान है मजीद आगे बढ़ेगा। हालांकि कायनात हमें कुरान पाक को समझने पढ़ने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।